नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनसत्ता दल के पार्टी के दिग्गज। जिससे जानेंगे जो किसान आंदोलन है, कई महीनों से चल रहा है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर इनकी क्या राय है सर? जिस तरीके से किसान है जो कि बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, कई जगह धरना दे रहे हैं, इसका आपकी पार्टी की तरफ से क्या संदेश जा रहा है? कुछ चीजें उनकी भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो धरातल पे स्थिति है वो आज की डेट में उस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। जो खरीद होती है मात्र 6 क्विंटल तक, एक 6 क्विंटल की सरकार मानती है, उसको कहीं कहीं 8 क्विंटल 9 क्विंटल तक भी किसान पैदा करता है। तो अगर हम देखेंगे 10 बीघे के विकास कार्य हैं तो हमारा जोड़ के उतना ही खरीदा जाएगा, बाकी नहीं खरीदा जाएगा। दूसरा, जब किसान जाता है किराए का ट्रैक्टर, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं होता, खड़ा कर देता है, तो दो दो तीन दिन ट्रैक्टर खड़े रहने जाते हैं, 5-5, 6-6 दिन तक हमने देखा ट्रैक्टर खड़े रह जाते हैं कांटे पर। कम से कम 1 लाख की दूरी 15-20-25 किलोमीटर हो जाती है, ब्लाकों में कम से कम कांटे 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम एक ब्लॉक में 2-3 दिन कांटे होने चाहिए और तत्काल खरीद होनी चाहिए ताकि उसको हार्डली न देनी पड़े। अगर किराए का ट्रैक्टर लेके आता है उसकी खरीद तुरंत नहीं होती, कई दिन लग जाता है, तो उसको उसका मुआवजा देना पड़ता है, उसका किराया देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उसका बहुत नुकसान होता है। दूसरा, जो आज की महंगाई बढ़ी, जो महंगाई बढ़ी है जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके हिसाब से किसान सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान को, उसकी लागत बढ़ गई खाद की, सब चीज़ों की। ऐसी स्थिति में जब तक अनाज का मूल्य और नहीं बढ़ेगा, कीमत खरीद की और नहीं बढ़ेगी, तब तक किसान तो मर जाएगा। नेताजी, आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में जो जो कृषि कानून लाया गया है सही है या गलत है या संशोधन होना चाहिए, क्या है आपको? अभी तक जो हमने सुना है, सरकारी मूल की बात क्यों करते हैं, सरकारी मूल सरकार कहती है हमने सरकारी मूल पर खरीद करेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, सरकारी खरीद होगी, ये कोई नहीं कहता है कि किसान की कितनी खरीद होनी चाहिए, कितना पैदावार है, इस पर तो कोई बात कर नहीं रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव आ रही है, इसी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जो है मैन पावर बहुत दिक्कत हो जा रही है, लोग पंजाब चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में किसी यंत्र जो हमारे हैं, आप 2 साल का पहले का रेट उठा लीजिए और आज का रेट उठा लीजिए। जो रोटीवेटर छोटा रोटीवेटर 42,000 का था, वो आज 62-70,000 का हो गया। जो ट्रैक्टर छोटा जो है 2.5-2.40 लाख का था, वो जो है आज जो है 3.5 लाख का हो गया है। तो इस तरह से हर चीज़ की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है, तो किसी पे किसी यंत्रों पे हमारा बहुत कुछ अनुभव। अब आप कहेंगे सब्सिडी हम दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 या 2 किसान को मिलती है सब्सिडी, यंत्र इतनी ज़्यादा है, अगर हम सारे यंत्र लेके खेती करते तो हमारी लागत कम हो जाती है। वैसे अब तो ये स्थिति आ गई, जो रेट डीजल के बढ़े हैं उससे किसानों की लागत, मतलब आप समझिए कि हमारे ख्याल से मूल नहीं निकले। महंगाई को लेकर यानी सबसे ज़्यादा जो मार है वो किसान झेल रहा है, 100% किसान जीता, किसान प्रधान देश हमारा। जब तक किसान नहीं, जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा, किसान नहीं मजबूत होगा और किसान की खरीद और तमाम चीज़ों की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक स्थिति यही रहेगी। नेता जी, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, कहीं आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए या निर्दलीय या ऐसा? देखिए, ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते अगर वो बैसाखी ले लेता है तो ये तो संजोग की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन हम लोग ये सोच के नहीं पैदा हुए हैं कि हम। राजनीति तो आपके कई सालों से चलती हुई आ रही है ना, आप कोई छोटे मोटे ऐसा पहले भी आप बड़े थे और आज यही है कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, निर्णय लेना, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम वैसाखी लेके नहीं पैदा हुए, अपने बल पे हमने आपको बताया कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये राजनीतिक लंबे अनुभव के बाद राजनीतिक दल बनाया। आप कहेंगे बहुत सारे लोगों ने दल बनाया, तो बहुत सारे दल जो बने हैं उनका एक अलग स्थिति है, हमारी स्थिति अलग है कि हमारे लोग कहते हैं सब समाज की बात करते हैं, MLA वो किसी दल से हुए, नेता वो किसी दल से हुए और सब समाज की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक राजनीतिक 25 साल का लंबा अनुभव है सब जात को लेकर चलने का, और वो जनसेवा करके पैदा हुई, इसलिए जनसेवा यात्रा 25 साल का जो उन्होंने यात्रा पूरी की है उसी पे हम लोगों ने जनसेवा यात्रा इसको रखा है। ना हमने ये कहा कि हम ये देंगे, ना हम उन्होंने कहा वो देंगे, ना हम किसी खिलाफ उनमें भी विश्वास रखते हैं, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। एक बार अगर जनता ने अवसर दिया तो ऐसा काम कर रहा है, हमारे दल को अवसर मिला तो हम ऐसा काम करेंगे कि हम दोबारा ये नहीं कहेंगे कि इस दल ने ये किया, हम कहेंगे हमने जो काम किया उस पर हमें। 26 तारीख को इटावा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, आपको क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष इटावा की जनता को क्या संदेश देंगे और क्या उनकी गाइडलाइन? देखिए, हम तो आपके माध्यम से और अपने समर्थकों के माध्यम से अपील करने आए हैं कि हमारी जनसत्ता आके
और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जनसत्ता दल का हौसला अफजाई करें, और जहाँ तक देने का है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए।